उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें तो 7.1 इसी का दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व एंड चेक। ये रेडिकल इक्वेशन है और रेडिकल इक्वेशन में बेटा चेक करना जरूरी होता है। बेटा रेडिकल इक्वेशन में चेक करना जरूरी होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेटा ये है 2x-4, इसके इंडेक्स में 3=-2। सबसे पहले बेटा हम जो जो डिजिट माइनस में है या प्लस में है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं। तो सबसे पहला स्टेप बेटा इसको इधर से इधर भेजा तो ये माइनस का था प्लस हो गया, जीरो खत्म हो गया। फिर बेटा अगर इंडेक्स में 3 है तो हम इसको कहते हैं क्यूब रूट, तो बेटा क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, यानी कि इसकी पावर 3 ले लेंगे। अगर इसके इंडेक्स में यहाँ कुछ ना होता तो फिर इसको ख़त्म करने, इसको कहते हैं फिर स्क्वायर रूट, फिर इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। तो बेटा दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, ये 3 इस स्क्वायर क्यूब रूट से कैंसिल, साथ ये 3 भी ख़त्म, क्योंकि ये तो 3 सिर्फ ये बता रहा था कि मैं तब ख़त्म होऊंगा जब क्यूब रूट लोगे, तो क्यूब रूट लिया तो साथ ही ये 3 भी ख़त्म, साइन भी ख़त्म, यहाँ से बन गया 2x-4। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 8। उसके बाद बेटा फिर क्या करना है, ये 4 दूसरी तरफ ले जाएंगे, 4 प्लस हो जाएगा, ये 12 बन जाना है, फिर 2 पे डिवाइड कर दें तो एक्स का आंसर 6। याद रखना ये जो रेडिकल इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं बकायदा उसने लिखा भी हुआ है सॉल्व एंड चेक, लेकिन बेटा अगर चेक ना भी कहे तो रेडिकल इक्वेशन में चेक करना ज़रूरी होता है। ये ना हो कि पेपर में वो चेक ना कहे तो आप करके ही ना आए, रेडिकल इक्वेशन में सॉल्यूशन सेट लिखने से पहले पहले चेक करना ज़रूरी है। तो हम जो आंसर आया बेटा हम ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे जो हमें बुक पे दी होती है वो लिखना होती है, इसमें जो एक्स का आंसर 6 पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू 6, ये टर्म एक्स की जगह पे 6-4-2। चेक में एक ध्यान ये रखना है कि जो इक्वेशन हो उसको एज इट लिखना है, किसी को लेफ्ट को राइट पे नहीं लेके जाना, राइट वाली को लेफ्ट पे नहीं लेके आना। बेटा ये पुट किया तो 2, 6, 12, 12 में से 4 माइनस एज इट, 12 में से 4 निकालें तो 8, 8 का क्यूब रूट। कैलकुलेटर के ऊपर सहूलत होती है कि क्यूब रूट ले लें आप 8 का, तो कैलकुलेटर पे लें तो आंसर 2। दूसरे अल्फाज में मैं कहूँगा कि आपने सोचना है वो कौन सा डिजिट है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है 2, 2-2=0, तो हम 2 में से 2 निकालें तो आंसर आएगा 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0-0। अगर लेफ्ट का आंसर राइट के इक्वल आ जाए तो हमारा ये सॉल्यूशन सेट 6 था जो हमने निकाला, लेकिन अगर हमारा लेफ्ट का आंसर राइट के इक्वल ना आए तो फिर इसको कहते हैं ये 6 एक्सट्रेनियस रूट है, फिर इसको हम सॉल्यूशन सेट में नहीं बाहर लिखेंगे, अंदर सॉल्यूशन सेट एम्प्टी रहेगा, बाहर लिख देंगे 6, साथ लिख देंगे एक्सट्रेनियस रूट। इसी तरीके से इसका 5वां पार्ट हमारे सिलेबस में है, दोनों तरफ क्यूब रूट है, पहले ही टर्म एक इधर है एक इधर है, डायरेक्ट ही दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। अब हमारे पास सादा टर्म्स आ जाएंगे, 2x+3 इधर से x-2, x वाली टर्म एक तरफ कर लें बगैर x के दूसरी तरफ, ये x इधर आएगा माइनस का, ये 3 इधर आएगा माइनस का, 2x में से 1 निकाल लें तो 1 लिखते नहीं है, x का आंसर -2-3-5। उसके बाद चेक करें, चेक फॉर x इक्वल टू -5, यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन लिखें। चेक हमेशा उस इक्वेशन में करते हैं जो आप वेरी फर्स्ट हो, यानी कि जो आपको पेपर में आए या बुक पे लिखी हो। तो बेटा लिख लिया, वैल्यू पुट कर दी, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू -5, यहाँ पे -5 पुट कर दिया, इधर भी -5, 2 5s are -10+3, इधर -5-2-7, इधर 10 में से 3 निकालें तो -7। बेटा हमने इसका आगे क्यूब नहीं लेना बल्कि सिर्फ ये शो करवाना होता है कि क्या लेफ्ट राइट के इक्वल नज़र आ गई है, तो यहाँ से चेक करें आपको लेफ्ट राइट के इक्वल नज़र आ चुकी है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस सॉल्यूशन सेट एक्स इक्वल टू -5। अब बेटा इसका 8वां पार्ट हमारे सिलेबस में है, वो ज़रा गौर से देख लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। x+1 नीचे 2x+5=2x का कैन नॉट बी इक्वल टू -5/2, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसका बेटा दोनों तरफ स्क्वायर ले लें क्योंकि इंडेक्स में कुछ नहीं लिखा, अब ये स्क्वायर रूट का साइन है और स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से 2 का भी स्क्वायर, ये बेटा x+1 नीचे 2x+5 नीचे 4 नीचे 1,
इसको हम दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, एक तरफ के ऊपर वाली टर्म, दूसरे टर्म के दूसरी तरफ के नीचे वाली टर्म। तो हम 4 को कर देंगे 2x प्लस 5 से और फिर 1 को कर देंगे x प्लस 1 से। उसके बाद 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बनेगा 4 2 8, 4 5 20। ये बेटा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8x, 4 को 5 से करें 20, फिर 1 को x से करें 1, x 1 लिखते नहीं, x 1 1 1, फिर x वाली टर्म एक तरफ कर लें 8x, ये 1 इधर आएगा माइनस का, 20 इधर आएगा माइनस का, तो 7x इक्वल टू माइनस 19, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये x इक्वल टू माइनस 19 ओवर 7 है, इसको चेक करें, ओरिजिनल इक्वेशन लिखें, पुट कर दें x इक्वल टू 19 बाई 7। तो यहाँ से x की जगह पर 19 ओवर 7 प्लस 1, अब इसके नीचे भी 1 लिख लें क्योंकि इनका एलसीएम लेना है, और नीचे 2 7 19 ओवर 7 प्लस 5, इसके नीचे भी 1 लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएं तो बेटा अगली लाइन में फिर दोबारा यही स्टेप किया कि दोनों तरफ हमने ये 1 1 लिख दिया क्योंकि एलसीएम लेना है। उसके बाद इनका एलसीएम लें, 7 और 1 का एलसीएम 7, तो 7 1s are, ये टेबल पढ़ना है 7 का कि 7 7 बने, 7 1s are 7, जो 1 आंसर आएगा 19 से मल्टीप्लाई कर दिया 19 आ जाएगा। फिर 1 का टेबल पढ़ें 7 बने, 1 7s are 7, जो 7 आंसर आया उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरीके से नीचे 7 और 1 का एलसीएम 7, 7 का टेबल पढ़ें 7 बने, 7 1s are 7, जो 1 आंसर आएगा उसको 38 से मल्टीप्लाई करें। फिर 1 का टेबल पढ़ें 7 बने, 1 7s are 7, और जो 7 आंसर आया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। बेटा फिर उसके बाद 19 है प्लस 7, 19 में से 7 निकालें माइनस 12 नीचे 7, और 38 में से 35 निकालें माइनस 3 नीचे 7। ऊपर नीचे 4 टर्म्स हो तो बेटा दूसरी टर्म चौथी से कैंसिल हो जाती है, हमने दूसरी को चौथी से कैंसिल कर दिया, ऊपर बच गया माइनस 12, नीचे बच गया माइनस 3। फिर माइनस 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 को माइनस से कट कर दें, उसके बाद 12 बच गया, 3 बच गया, 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो इधर प्लस 4 है, प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो सॉल्यूशन सेट माइनस 19 ओवर 7। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसके साथ ही 7.1 आपकी कंप्लीट हो गई। ओके, खुदा हाफिज़।